नमस्कार दोस्तों सहस्त्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम सीडीपी के तीस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सी टेट में पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न है एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है ऑप्शन ए प्रभाव का नियम ऑप्शन बी अभ्यास का नियम ऑप्शन सी तत्परता का नियम ऑप्शन डी समानता का नियम तो देखिए बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना जो है तत्परता का नियम में आता है तो इसके माध्यम से बच्चों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न किया जाता है और यहीं अगर अभ्यास का नियम देखिए तो ये जो होमवर्क दिया जाता है वो जो है अभ्यास के नियम में आएगा समानता समावेशी शिक्षा साथ में सभी को पढ़ाते हैं वे जो है समानता के नियम का पालन करते हैं और उनका जो नियमित मूल्यांकन किया जाता है वो जो है प्रभाव को दर्शाता है चलिए अगले प्रश्न देखते हैं चित्र पूर्णता परीक्षा एवं को बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए रुचि ऑप्शन बी अभिक्षमता ऑप्शन सी बुद्धि ऑप्शन डी अभिवृत्ति तो देखिए चित्र पूर्णता तो चित्र कुछ अधूरे रहते हैं उसे पूरा करने वाला प्रश्न रहता है और दूसरा कोब्लॉक डिजाइन कोब्लॉक डिजाइन में जो ऐसे जो यहाँ एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक ब्लॉक होता है कलर ब्लॉक होता है उसको पूर्ण करने का एक को ब्लॉक टेस्ट होता है इस प्रकार के जो परीक्षाएं होते हैं इससे जो है बच्चों का आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है आई क्यू लेवल तो ये जो है बुद्धि टेस्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं चित्र पूर्णता परीक्षा और को ब्लॉक परीक्षा ठीक इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए अधिकम ऑप्शन बी सृजनात्मकता ऑप्शन सी चिंतन ऑप्शन डी तर्क तो इस प्रकार के प्रश्न हम इससे पहले भी दो वीडियो बन चुके हैं उसमें भी देख चुके हैं तो इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सृजनात्मकता तो सृजनात्मक में क्या होता है कुछ नए चीज सीखने के लिए जो है विद्यार्थियों की रुचि होती है वो जो है सृजनशील विद्यार्थी कहलाते हैं तो देखिए असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं किसके माध्यम से चिंतन के माध्यम से तो ये जो है सृजनात्मक विद्यार्थी के गुण होते हैं तो ये जो है सृजनात्मकता इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं ऑप्शन ए आंतरिक एवं बाह्य वातावरण ऑप्शन बी स्वभाव एवं चरित्र ऑप्शन सी बाह्य लक्षण एवं स्वभाव ऑप्शन डी वंशक्रम एवं वातावरण तो देखिए प्रकृति एवं पोषण जो है किसको संकेत करेंगे तो अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति जो है जन्मजात प्राप्त होता है तो ये जो है वंशक्रम या अनुवंशिकता को तो दर्शाता है और तो दूसरा है पोषण तो पोषण जो है ये जो है वातावरण पर निर्भर करता है तो जैसे जिस प्रकार का वातावरण रहता है उस प्रकार जो है उस बच्चे को पोषण प्राप्त होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वंशक्रम एवं वातावरण अगला प्रश्न देखते हैं स्मृति इस स्तर इस पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है ऑप्शन ए समान्यकरण ऑप्शन बी आत्मसात्मण ऑप्शन सी अनुप्रयोग ऑप्शन डी तो सा हमारा स्मृति स्तर है उससे प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम और सिद्धांत विकसित करना जो है एक समान्यकरण के अंतर्गत आता है तो ये जो है समान्यकरण के अंतर्गत आएगा अगला प्रश्न है यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब ऑप्शन ए आप, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे ऑप्शन बी आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे ऑप्शन सी आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए ऑप्शन डी उग्र कहेंगे कि उसे जैसे समझ में आता है वो वैसा करें तो देखिए आप एक शिक्षक हैं अगर एग्जाम के समय कोई प्रश्न पत्र पे कोई त्रुटि है और विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे उनकी समस्या का जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आप मुद्रा त्रुटि को स्पष्ट करेंगे किया जा सकता है ऐसे पर हमें सबसे उपयुक्त आंसर ढूंढना है आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे ये भी किया जा सकता है परंतु सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन सी आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक कि सुधार निर्धारित ना हो तो सुधार जो है जो भी त्रुटि है उसमें सुधार किया जाएगा उसके बाद जो है आप विद्यार्थी को जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसको आप उसकी समस्या को हल करेंगे तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है ऑप्शन ए विद्यार्थी को दंडित करना ऑप्शन बी उसके पालकों को सूचित करना ऑप्शन सी छात्रों के अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना एवं उसके सुधार के उपाय सुझाना ऑप्शन डी उनकी अनदेखी करना तो देखिए किसी विद्यार्थी में अगर अवांछित व्यवहार है तो उसे सुधारने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या होगा विद्यार्थी को दंडित करना यह नहीं होगा उसके पालक को सूचित करना यह भी नहीं होगा आप एक शिक्षक है तो उसे आपको स्वयं ही उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप छात्रों के के अवांछित व्यवहारों कारणों को आपको पता लगाना है एवं तो उसके सुधार के लिए उनसे उपाय सुझाना है तो ऑप्शन सी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है ऑप्शन ए नाटकीय खेल द्वारा ऑप्शन बी रचनात्मक खेल द्वारा ऑप्शन सी हास्य भाव द्वारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो किसी विद्यार्थी को बाल्यवस्था में सृजनात्मकता का अगर उसके अंदर गुण लाना है तो उसके लिए हमें क्या कर कर किसके माध्यम से कर सकते हैं तो नाटकीय खेल के द्वारा भी उसमें सृजनात्मकता आ सकता है रचनात्मक खेल के द्वारा भी और हास्य भाव द्वारा भी तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है ऑप्शन ए दृष्टि दोष ऑप्शन बी निर्धनता ऑप्शन सी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो किसी बच्चे में जो है पिछड़ापन का कारण उसका दृष्टि दोष हो सकता है अगर उसे कोई दृष्टि दोष है तो भी वो पिछड़ सकता है अगर कोई विद्यार्थी निर्धन है तो भी वो पिछड़ सकता है और अगर पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है तब भी कोई विद्यार्थी पिछड़ा हो सकता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है ऑप्शन ए चोरी करना ऑप्शन बी क्रोध प्रकट करना ऑप्शन तो तो चोरी करना, एक है, प्रकट करना भी समस्यात्मक गुण है और झूठ बोलना भी है तो कौन सा नहीं होगा सामाजिक रूप से समायोजित होना ये जो है एक बालक का समस्यात्मक गुण नहीं होगा अगला प्रश्न है अधिकम अक्षमता किन कारणों से होता है ऑप्शन ए वंशानुगत कारणों ऑप्शन बी शारीरिक कारणों ऑप्शन सी वातावरण संबंधित कारणों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो अधिगम अक्षमता मतलब सीखने की अक्षमता जो है किन कारणों में होगा तो वंशानुगत कारण से हो सकता है जैसे कि वो वंशानुगत ही अक्षम है उसकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति विक्षिप्त ही है तो वो जो है ये वंशानुगत कारण से आएगा अगर शारीरिक कारण में उसका शारीरिक अगर वो दृष्टि या फिर श्रवण बाधित बच्चा तो भी अक्षमता आ सकता है उसको वातावरण संबंधित कारण तो यह भी एक प्रमुख कारण है वातावरण अगर अच्छा वातावरण है सीखने के तो जो है अच्छे से नहीं सीख पाएगा हो, सभी। अगला प्रश्न है बालक में मानसिक मंदन की वजह हो सकता है ऑप्शन ए गर्भधान के समय क्रियाशील कारण ऑप्शन बी माता के गर्भ में क्रियाशील कारण ऑप्शन सी जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो किसी बालक में मानसिक बंधन किस वजह से होगा देखिए ऑप्शन ए गर्भधान के समय भी उसमें जो है मानसिक बंधन आ सकता है माता के गर्भ में क्रियाशील के कारण भी आ सकता है और जन्म के बाद अगर कोई दुर्घटना होता है तो इसके फलस्वरूप भी आ सकता है तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मानसिक बंधन के कारण हो सकते हैं अगला प्रश्न है बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है ऑप्शन ए मानसिक ऑप्शन बी शारीरिक ऑप्शन सी चारित्रिक ऑप्शन डी समयत्मक तो जो है अभिवृद्धि किसको दर्शाता है बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि जो है शारीरिक विकास को दर्शाता है और वही अगर विकास को बात करें तो जो विकास जो है मानसिक चारित्रिक और संघात्मक इन सभी प्रकार के विकास को दर्शाता है ये विकास अभिवृद्धि जो है शारीरिक विकास को दर्शाएगा अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है ऑप्शन ए प्रयोजना ऑप्शन बी अन्वेषण ऑप्शन सी खोज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तो व्यू रचना समस्या केंद्रित कौन सा होगा तो प्रयोजनात्मक ये भी एक व्यू रचना के समान होता है अन्वेषण भी होता है और खोज ये तीनों जो है व्यू रचना समस्या के समान होता है मतलब इन तीनों को हल करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक जो है अपना व्यू रचना बनाना पड़ता है इनको हल करने के लिए एक विधि अपनाना पड़ता है ठीक तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है ऑप्शन ए शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए ऑप्शन बी शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए ऑप्शन सी शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्र दृष्टिकोण होना चाहिए ऑप्शन डी शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए तो देखिए शिक्षक को भूमिका के संबंध में सही कथन बताना है तो शिक्षक का सही समालोचनात्मक तो ये जो है समालोचनात्मक ये जो है भूमिका नहीं होती है शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष तो नहीं इनको किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए शिक्षक का प्रति मित्र व दृष्टिकोण तो ये बिल्कुल सही है कि दृष्टिकोण रखना चाहिए विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक को दूरी बनाकर रखना चाहिए तो ये जो है गलत हो जाएगा ठीक तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य हैं उसे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक ऑप्शन बी पिछड़ा बालक ऑप्शन सी अपराधी बालक ऑप्शन डी विकलांग बालक तो ऐसे विद्यार्थी को क्या कहेंगे जिसका स्तर जो है कम है उसके उसके स्तर से जो है उसकी योग्यता कम है तो ऐसे विद्यार्थी को हम जो है पिछड़ा बालक कहेंगे अगला प्रश्न है एक, ग्यार, एक वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन ए समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है ऑप्शन बी उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है ऑप्शन सी अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है ऑप्शन डी उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है तो देखिए ग्यारह वर्ष के बच्चे के संबंध में सही नहीं है पूछा गया है तो समूहों खेलने के लिए अग्रसर होते हैं नेतृत्व के गुणों का विकास जो है इसी वर्ष के अंतर्गत आता है और उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव भी पड़ता है परंतु ऑप्शन सी अजनबियों के विरुद्ध जो है वो चिड़चिड़ापन प्रकट करता है ये जो है गलत होगा ग्यारह वर्षीय बच्चे के लिए तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न देखते हैं श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन ए यंत्र ऑप्शन बी ब्रेल लिपि ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो देखिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए इनके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएंगे तो इनके लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ठीक तो सांकेतिक भाषा इसमें जो है सिम के द्वारा जो है इनको बताया जाता है जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए सब सा, सांकेतिक भाषा का और वही ब्रेल लिपि का जो है अंधे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक तो इस प्रश्न से उत्तर है ऑप्शन सी अगला प्रश्न है बच्चों के यहाँ खाली स्थान हो जाएगा बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है तो उसके व्यवहार के चिन्हों से किस गुण को जाना जा सकता है तो ऑप्शन तो ए बुद्धि ऑप्शन बी सृजनात्मकता ऑप्शन सी संरक्षण ऑप्शन डी क्रमिकता तो बच्चों के व्यवहार से जो है उसकी बुद्धि को जाना जा सकता है तनाव और बेचैनी ये भी उसकी बुद्धि के ही गुण को दर्शाते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं ऑप्शन ए उपलब्धि ऑप्शन बी रुचि ऑप्शन सी अभिप्रेरणा ऑप्शन डी सीखना तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीखना या फिर अधिगम कहते हैं ठीक और उपलब्धि ये अचीवमेंट होता है ठीक रुचि अभिप्रेरणा ये जो है मोटिवेशन होता है ठीक तो मोटिवेशन दूसरे के द्वारा प्रदान किया जाता है दूसरों के अनुभव के माध्यम से सीखना जो है स्वयं के अनुभव के द्वारा जो है किया जाता है ठीक अगला प्रश्न देखते हैं बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है ऑप्शन ए अनिवार्य शिक्षा ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान देखिए ये बेसिक शिक्षा या नई तालीम ये जो है महात्मा गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता तो आंदोलन के समय जो है शिक्षा के लिए लाया गया था और ये जो है उस समय जो है वर्धा आश्रम से जारी किया गया था इस कारण इसे जो है वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है तो इसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहेंगे बेसिक शिक्षा नई तालीम या बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं इसी को ठीक तो ये जो है चारों एक ही चीज़ है आपको याद रखना ये महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था मानसिक विकास के पक्ष हैं ऑप्शन ए संवेद ऑप्शन बी बुद्धि ऑप्शन सी भाषा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो मानसिक विकास को क्या दर्शाएंगे संवेद बुद्धि और भाषा तीनों जो है उनके किसी बच्चे के मानसिक विकास को दर्शाता है तो इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है ऑप्शन ए प्रेरणा ऑप्शन बी बाधा ऑप्शन सी निरर्थक प्रतिक्रियाएं ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक क्या होगा प्रेरणा बाधा निरर्थक प्रतिक्रियाएं तीनों जो है सीखने के लिए जो है आवश्यक है प्रयास और भूल से उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन तो डी उपरोक्त सभी एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू आईक्यू लेवल लेवल जो है 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 एक बालक का लेवल 85 है। उसे वर्गीकृत किया जाएगा ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि ऑप्शन बी श्रेष्ठ बुद्धि ऑप्शन सी मंद बुद्धि ऑप्शन डी सामान्य से अधिक बुद्धि तो पचासी जो है उसे हम मंद बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं तो देखिए इन सब श्रेणी के लिए आईक्यू लेवल कितना कितना होना चाहिए तो श्रेष्ठ बुद्धि के लिए जो है बुद्धिब्धि एक सौ से एक होना चाहिए ठीक तो 120 से 124 तक के जिसका लब्धि होता है वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं और 110 से 120 सौ बीस तक जिनका रहता है वे जो है सामान्य से अधिक बुद्धि वाले और 90 से 110 के बीच रहता है वो जो है सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और जो है 80 से जो है 90 के मध्य जिनकी बुद्धि लब्धि रहता है वे मन बुद्धि के अंतर्गत आते हैं तो हमारे प्रश्न में कितना दिया होता है पचासी तो पचासी किसके अंतर्गत आएगा मन बुद्धि के अंतर्गत चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है ऑप्शन ए समय की बर्बादी ऑप्शन बी अकादमिक कार्यों से बहुत समय ले लेना ऑप्शन सी फुर्सत अथवा विश्राम अर्थात तनाव मुक्ति के लिए समय देना ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है तो देखिए अभी जो अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के दौर में विद्यालय में खेलकूद का समावेश क्यों आवश्यक है तो इसके लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति समन्वित विकास के लिए तो समन्वित विकास के लिए जो है खेलकूद का ऑप्शन सी उभयमुखी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी देखिए बाल्यावस्था में जो है व्यक्ति कैसा होता है बहिर्मुखी होता है तो बहिर्मुखी का तात्पर्य होता है बाहरी चीजों पर जो है उनका रुचि बढ़ता है तो बाहरी चीजों पर रुचि रुचि हो ये जो समय होता है बाल्य का समय होता है जिसमें हम बच्चे जो है बाहरी चीजों पे रुचि रखते हैं और ये अंतर्मुखी तो अंतर्मुखी जो है ये शैस अवस्था में रहता है बालक जो है शैस्य अवस्था में जो है अंतर्मुखी इसके अंतर्गत जो है वे स्वयं पर रुचि रखते हैं और अपने आप को ही जो है सब कुछ मानते हैं ठीक तो ये जो है अंतर्मुखी ये है शैस अवस्था में रहता है और उभयमुखी के अंतर्गत अंतर्मुखी और बाहर मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों चीजों पर जो है

ऑप्शन डी बालकों को व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर तो देखिए कोई विद्यार्थी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो आप क्या करेंगे कि वो जो है अगला परीक्षा में जो है उत्तीर्ण हो जाए तो आप उसके जो समस्या है अगर पढ़ नहीं पाया है तो उसको दूर करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है तो उसको दूर करेंगे तो इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कठिन अवधारणा को पुनः अध्यापन करके आप उसकी मदद कर सकते हैं तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक शिक्षक को अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा ऑप्शन ए अनुशासन द्वारा ऑप्शन बी प्रश्न पूछकर ऑप्शन सी जिज्ञासा जगाकर ऑप्शन डी कहानी लेखन द्वारा तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित कैसे कर सकता है तो इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासा जगाकर तो अगर उसमें हम सीखने की अगर जिज्ञासा जगाते हैं तब तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है उसमें सीखने के जिज्ञासा आ जाएगा तो वो जो है सीखने के ऊपर रुचि दिखाएगा और अध्ययन के ऊपर रुचि दिखाएगा ठीक तो इस प्रश्न प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अगला है एक शिक्षक अपने विद्यार्थी में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है ऑप्शन ए सहगामी प्रतिक्रिया के आयोजन द्वारा ऑप्शन बी एक आदर्श के रूप में ऑप्शन सी पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी में अच्छी आदत डालने के लिए सहगामी पाठ्य सहगामी क्रिया के आयोजन कर सकता है एक आदर्श के रूप में उनका जो शिक्षक है उन्हीं के व्यवहार से जो है सीख सकते हैं तो टीचर को भी एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे विद्यार्थी भी अच्छी आदत सीख सके या फिर विद्यार्थी को पुरस्कार दे सकते हैं और या फिर कहीं कभी दंड भी दे सकते हैं अच्छी आदत सिखाने के लिए तो इन सभी कारणों से जो है एक शिक्षक विद्यार्थी को अच्छी आदत सिखा सकते हैं अगला प्रश्न है एक बारह वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है आस पड़ोस ऑप्शन बी परिवार ऑप्शन सी खेल का मैदान ऑप्शन डी विद्यालय तो एक बारह वर्ष का बालक है तो सामाजिक विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है खेल का मैदान तो खेल के मैदान में जो है वे जो है अपने मित्रों के साथ सामूहिक रूप से खेलते हैं तो समूह के माध्यम से जो है सामाजिक विकास को सीखने का जो है सबसे उपयुक्त माध्यम होगा तो खेल का मैदान जो है सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्त स्थान होता है बालक के लिए तो इस प्रश्न उत्तर है ऑप्शन सी थैंक यू